नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हम मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या बनाते हैं। तो चलते हैं खेत से अपने ताज़े सब्जियों को तोड़ते हैं। तो सुबह के जो कि अभी 7 बज रहे हैं, तो आज हम लौकी वाला दाल बनाएंगे और लौकी की सब्जी बनाएंगे। तो चलते हैं खेत से ताज़ी लौकी को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्मी का सीज़न चल रहा है और काफ़ी सारे देखिए लौकी के जो गावा हैं उसमें फूल और ये लिए हैं, लौकी के फल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लौकी दिख गया मुझे, इसको काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा लौकी हो रखा है, इसको हम काटते हैं चाकू से। ये देखिए एक और दिख रहा है मुझे, एक और लौकी काट लेते हैं। ये देखिए लौकी को हमने खेत से ले लिया, अब चलते हैं चूल्हे के पास, खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों लौकी जो है खेत से तोड़ के लेके आ गए हैं और यहाँ पे मैं दाल चावल ही बनाऊँगी साथ में। तो चूल्हे में ईंधन को जला दिया, एक तरफ रखा है पतीला, इसमें चावल बनाऊँगी, एक तरफ रखा है प्रेशर कुकर, उसमें दाल बनाऊँगी। तो दाल चावल को सबसे पहले मैं अब धोऊँगी, साफ पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चावल को धो लेते हैं, चावल का पानी भी गर्म हो गया है। तो चावल दाल को दोनों को धो लेते हैं साफ पानी से। चावल को धो लिया, अब हम दाल को भी धो लेते हैं। चावल को मैंने धो लिया, अब डालते हैं पतीले में और चावल का पानी भी जो कि उबल रहा है इसमें अब हम चावल को डाल देते हैं। इधर हमारे प्रेशर कुकर का पानी जो कि गर्म हो गया है उसमें हम धुले हुए दाल को डाल देते हैं। ये हमारे घर का देसी दाल है। तो यहाँ पर जो कि हमने दो लौकी लिया है तो आधा हम काट कर दाल में डालेंगे, बाकी हम सब्जी बनाएंगे। तो इसको हम छील लेते हैं काट कर इस तरीके से, क्योंकि लौकी दाल में बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको हम इसका छिलका उतार लेते हैं। अब छीलने के बाद इसको हम साफ पानी से धो लेते हैं और दो हम टमाटर भी इसमें डालेंगे दाल में इसी समय। तो इसमें टमाटर ले लेते हैं, छोटे छोटे हमने 4 टमाटर लिए हैं, इसको भी धो लेते हैं साथ में टमाटर को भी। लौकी को हमने धो लिया, इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है लौकी काटने के बाद। और ये इसका जो बीज का है वाइट वाइट दिख रहा है, एकदम एकदम खेत की ताज़ी लौकी, इस तरीके से इसको काट लेंगे। लौकी के साथ हम टमाटर भी काट रहे हैं और साथ में हम डाल देंगे लौकी के साथ ही। तो टमाटर डालने से जो कि जब दाल बनती है और लौकी के साथ ना तो बहुत अच्छी बनती है, तो टमाटर भी साथ में गल जाता है। तो इसको हम इसी में डाल देते हैं और दाल में जो कि खट्टा भी स्वाद आता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। इधर देखिए दाल डालने के बाद प्रेशर कुकर में उबाल आ गया है, अब इसमें हम लौकी और कटे हुए टमाटर को भी डाल देते हैं साथ में। अब इसमें हल्दी नमक भी डाल देते हैं साथ में। तो यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार 2 चम्मच नमक डालेंगे, तो 1 चम्मच हमने डाल दिया, 1 चम्मच और डाल देते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं 1/2 चम्मच। अब इसको चलाकर इसका हम ढक्कन लगा देंगे। अब हम प्रेशर कुकर ढक्कन लगाकर इसको हम 5-6 सीटी लगा देंगे, तो अच्छे तरीके से लौकी और टमाटर और दाल भी हमारा पक जाएगा इसके साथ। तो अब हम सब्जी की तैयारी करते हैं, जब तक हमारा दाल चावल पकता है उधर चूल्हे पे। इधर 1/2 लौकी को हमने काटी रखा था, तो और ये भी लेंगे 1/2 इसमें से, इसका भी छिलका उतार लेते हैं सब्जी बनाने के लिए। लौकी का हम सब्जी बनाएंगे। तो लौकी हमें ज़्यादा लग रहा है तो 1/2 लौकी को हम रख देंगे फ्रीजर में अपना, फिर बाद में इस्तेमाल कर लेंगे और इसका हम सब्जी में यूज कर लेंगे, क्योंकि सब्जी पकने के बाद थोड़ा ही हो जाता है। तो 1/2 सब्जी में डाल देते हैं लौकी को। तो यहाँ पर मैंने लौकी की सब्जी बनाने के लिए आलू भी थोड़ा सा लिया है, तो आलू को पहले काट लेते हैं। ये हमारे घर का देसी आलू है, हम छिलका सहित डालेंगे क्योंकि छिलका सहित आलू बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरीके से आलू को हम काट लेते हैं पतला पतला। इधर लौकी को मैंने धो लिया है सब्जी बनाने के लिए, इसको हम काट लेते हैं। अब चावल हमारा हो गया, तो अब हम चावल को सुनाने के लिए उपले के आग पे रख देते हैं, उतार कर इस तरीके से। अब सब्जी बनाने के लिए हम चूल्हे पर कढ़ाई को रखते हैं और इधर दाल में हमारे सीटी भी लग रहा है, 2-3 सीटी अभी हम इसमें और लगा देते हैं प्रेशर कुकर में।
कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। ये सरसों का तेल हमारे घर का है, इसको हमने मशीन से पिरवाया था। तो सरसों का तेल देखिए इस तरीके से कलर इसका दिख रहा है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने सरसों के दाने लिए, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने साबुत लाल मिर्च लिया, इसको भी डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने प्याज और हरी मिर्च भी काटा है 3 से 4, तो इसको भी हम डाल देते हैं साथ में। तड़का लगा देते हैं इसका। अब प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। प्याज का कलर देखिए चेंज हो गया है, हमने प्याज को भून लिया है। अब हम आलू डाल देते हैं। आलू को हम थोड़ी देर भूनेंगे। आलू को अगर आप पहले सब्जी में भून लेते तो सब्जी का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। तो सब थोड़ा सा आलू को हम यहाँ पे भूनते हैं। आलू को हमने थोड़ी देर तक भून लिया है। अब इसमें कटे हुए लौकी को हम डाल देते हैं। लौकी डालने के बाद अब हम इसको चलाएंगे और थोड़ी देर तक लौकी को भी हम भूनेंगे तेज आँच पर। तो हमारे जो कि प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी लग चुका है और दाल भी हमारा पक गया, इसको हम चूल्हे पर से उतार लेते हैं। इधर लौकी को भूनते भूनते लौकी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक और हल्दी डालकर इसको चला देंगे और ढक देते हैं। इसको थाली से ढक देते हैं। तो बस सब्जी को देखते हैं। तो लौकी ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर को भी डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद सब्जी को चलाएंगे और इसको ढक देते हैं। टमाटर डालने के बाद इसको हमने चला दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे हम। और इसमें डाल देते हैं हम 1/2 चम्मच गरम मसाला। और इसको अच्छे तरीके से चला देंगे और सब्जी को ढक देंगे पकने के लिए। अब यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा पैथन निकाल कर हम आटे का डो सान कर तैयार कर लेते हैं रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे कलछुल लिया हमने दाल में तड़का लगाने के लिए, तो इसमें डालेंगे सरसों का तेल। कलछुल जो दाल में तड़का लगता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो पहले तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, उसमें डालते हैं जीरा और सरसों के दाने डालेंगे इसमें थोड़े से। और इसमें हम कटे हुए लहसुन को डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लिया है, इसको भी डाल देते हैं दाल में। यहाँ पे देखिए तड़का हमारा अच्छे से लाल हो गया है, लहसुन भी मिर्च भी और कड़ी पत्ते भी। हल्का सा कलछुल को पोंछ देते हैं नीचे से, जो नीचे से राख उख लगा होगा कलछुल में वो छूट जाएगा। अब हम दाल में तड़का लगा देते हैं। इसका रबड़ भी डाल देते हैं। अब हम दाल में तड़का इस तरीके से लगाकर और इसको हम चला देंगे और फट से तुरंत ढक देंगे कि जो तड़के की जो महक है अच्छे से दाल में मिल जाए। सब्जी को हमने दूसरे चूल्हे पर उधर रख दिया साइड में और इधर रखेंगे तावा। अभी सब्जी हमारी पकी नहीं है और इधर तावा रख देंगे, तब तक तावा भी हमारा गर्म हो रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने आटे का डो सान कर तैयार कर लिया। अब हम रोटी बनाते हैं। इस तरीके से लोई को लेते हैं और गोल गोल घुमाते हुए इधर चिपटा कर देंगे और पैथन में लगाएंगे। फिर हल्के हाथों से इसको चौके पर बेलेंगे। तावा हमारा गर्म हो गया, इस पर बेली हुई रोटी को डाल देते हैं। अब इसको हम पलट देते हैं। ऐसे ही हम और रोटी बेलकर रख लेते हैं। रोटी को पीछे से देखिए सिझा लिया। अब इसको हम इस तरीके से करते हुए फुला लेंगे रोटी को। तो हम उतार लेते हैं, ऐसी बाकी रोटी को भी बना लेते हैं। ये सब्जी को भी चला के देखते हैं कि सब्जी क्या हाल है। आलू को देखते हैं चेक करके। आलू अच्छे से देखिए मसल जा रहा है और लौकी भी
यहाँ पर मेरा लौकी की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गया है देसी तरीके से एकदम। और साथ में हमने देखिए यहाँ पे देखिए हमने देसी तरीके से दाल भी बनाया है, एकदम तड़का लगाया कलछुल में लहसुन और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता का, सरसों का भी, और लौकी डालकर जो हमने दाल बनाया है बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। और साथ में हमने देसी चावल बनाया है और इसके साथ हमने रोटियाँ ही बनाई है। ये था हमारा मॉर्निंग रूटीन, हम ऐसे ही सुबह खाना बनाते हैं और देसी तरीके से खाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हमारा ये मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।